वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं मंतुष। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने हाउस वायरिंग के फॉल्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे और वीडियोस बनाए, तो मैं एक वीडियो फिर लेके आया हूं आपके सामने। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीरीज का फॉल्ट। हाउस वायरिंग में सीरीज का फॉल्ट काफ़ी आता है, उस फॉल्ट को किस तरीके से ढूंढे। तो देख सकते हो ये है एक MCB और इसमें फेस आ रहा है, और यह है न्यूट्रल की वायर, इसमें टेस्टर नहीं जल रहा है। हमेशा फेस की वायर में टेस्टर जलता है, न्यूट्रल की वायर में टेस्टर नहीं जलता है। वो चीज़ अलग है कि न्यूट्रल की वायर में कभी कभी टेस्टर जलता है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो सीरीज का फॉल्ट आता कैसे? सबसे पहले हम घर में जाते हैं, चेक करते हैं बोर्ड में, सॉकेट में कि टेस्टर जल रहा है नहीं जल रहा है, क्योंकि उस घर में सप्लाई नहीं होती है। और हम चेक करते हैं टेस्टर से बोर्ड को बिना खोले, तो अभी फेस आ रहा है और न्यूट्रल में टेस्टर नहीं जल रहा है, अभी सब कुछ ठीक है। यानी कि अभी न्यूट्रल में टेस्टर नहीं जल रहा है, फेस में टेस्टर जल रहा है। तो अभी यहाँ पे घर का जो स्विच बोर्ड है, मान के चलो ये घर का स्विच बोर्ड है, अभी सब कुछ ठीक है। तो देख सकते हो एक मैंने पॉइंट भी जोड़ रखा है इसके साथ बल्ब का, तो ये जल रहा है, और दो पॉइंट फ्री रखे हैं, तो अभी ये जल रहा है, यानी कि अभी इसमें सप्लाई ठीक है। अगर हम मान लो कि हमारे घर में न्यूट्रल की वायर से कट हो गई है, यानी कि न्यूट्रल की वायर कहीं से जल गई है या न्यूट्रल की वायर कहीं से निकल गई है या जोड़ खुल गया है, तो होता क्या है उस समय आता है सीरीज का फॉल्ट। तो देख सकते हो मैंने न्यूट्रल की वायर निकाल दी है और इसको टेस्टर से मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसमें भी टेस्टर जल रहा है, देख सकते हो आप, यानी कि इसमें भी टेस्टर जल रहा है। तो ये होता है सीरीज का फॉल्ट। अभी टेस्टर न्यूट्रल की वायर में भी जल रहा है, न्यूट्रल की वायर न्यूट्रल के साथ कनेक्ट नहीं है और घर में सप्लाई नहीं आ रही क्योंकि एक वायर कट है। तो देख सकते हो न्यूट्रल की वायर में भी टेस्टर जल रहा है, और जो फेस की वायर थी उसमें भी टेस्टर जल रहा है। मेन जो न्यूट्रल की वायर है उसके साथ अभी जुड़ा हुआ नहीं है। सॉकेट में दोनों तरफ टेस्टर जलता है, यानी कि सॉकेट में कभी भी दोनों तरफ टेस्टर जल रहा है और घर में करंट नहीं आ रहा है, घर का स्विच बोर्ड चालू नहीं हो रहा है, तो दोनों में टेस्टर जल रहा है वो भी फुल, तो आप समझ लेना कि सीरीज का फॉल्ट हुआ है। तो ये सीरीज का फॉल्ट हुआ कैसे? तो देख सकते हो अभी ये कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट का बटन चालू है, यानी कि ये पॉइंट अभी चालू है। इसी तरीके से आपका कोई भी फैन हो गया, ट्यूबलाइट होगी या LED TV, कुछ भी पॉइंट चालू होगा और वहाँ पर अगर इस तरीके से दोनों सॉकेट में टेस्टर जल रहा है, तो समझ लेना वहाँ पे सीरीज का फॉल्ट है और न्यूट्रल का प्रॉब्लम है, न्यूट्रल नहीं आ रहा है। तो देख सकते हो अभी स्विच मैंने ऑफ किया हुआ है और अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो जहाँ पे फेस आता है वहीं पे जल रहा है, मगर दोनों दूसरी तरफ नहीं जल रहा है। अभी देख सकते हो मैं उस वायर में भी टच करूँगा, वहाँ पर भी टेस्टर नहीं जल रहा है, क्योंकि अभी ये बल्ब का जो पॉइंट है इसको मैंने बंद कर रखा है, इस तरीके से ये बंद कर रखा है, अभी चालू किया है जल गया। यानी कि सीरीज का फॉल्ट तभी होता है जब कोई भी सामान हमारा चालू होगा, जैसे बल्ब, LED TV, कुछ भी चालू होगा और वहाँ पे न्यूट्रल कट हो गया होगा या मेन न्यूट्रल नहीं आ रहा होगा या मीटर के पास से, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है सीरीज के फॉल्ट में। यानी कि सीरीज का फॉल्ट वहीं पे आता है जहाँ पर न्यूट्रल का प्रॉब्लम होता है। अगर ये सीरीज का फॉल्ट सिंगल फेस में होता है, जहाँ पे सिंगल फेस का मीटर लगा हुआ है 1 kW से लेके 2 kW तक, तो वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर यही फॉल्ट सीरीज का फॉल्ट कहीं 3 फेस की सप्लाई है, 5 kW का मीटर लगा हुआ है और 3 फेस की सप्लाई है, वहाँ पर अगर सीरीज बनती है तो वहाँ पर नुकसान हो जाएगा, घर में डबल फेस आ सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने एक वीडियोस ऑलरेडी पहले बना रखी है कि 3 फेस की वायरिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखें। हो सकता है आप उस वीडियो को देख लेना, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी मैंने बल्ब को साइड में रख दिया है, तो अभी टेस्टर नहीं जल रहा है, मैं बल्ब को लगाता हूँ तो टेस्टर अभी जल जाएगा। तो हमेशा हाउस वायरिंग का फॉल्ट हो रहा है, यानी कि घर में सप्लाई नहीं आ रही है, या जो भी रूम है रूम में स्विच बोर्ड में सप्लाई नहीं आ रही है और वहाँ पर टेस्टर जल रहा है, दोनों सॉकेट में जल रहा है, तो समझ लेना कि न्यूट्रल का प्रॉब्लम है, न्यूट्रल नहीं आ रहा है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो वीडियोस को लाइक कर दें, क्योंकि मेरा इस वीडियो का समझाने का मतलब यही था कि जब भी सीरीज का फॉल्ट होता है तो न्यूट्रल से ही होता है, डबल अगर टेस्टर जल रहा है दोनों सॉकेट में इस तरीके से, तो समझ लेना उस घर में न्यूट्रल का ही प्रॉब्लम है। ये तो रही सीरीज के फॉल्ट की बात, अब बात करते हैं हम इस वीडियो में, तो कभी क्या होता है हमारे घर में सप्लाई आ रही होती है, स्विच बोर्ड सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी हमारे फेस में भी टेस्टर जलता है और न्यूट्रल में भी टेस्टर जलता है,
वो टेस्टर दोनों में क्यों जलता है, उसकी पहचान क्या होती है? तो अगर कभी ऐसा होता है तो प्रॉब्लम जो है वो भी न्यूट्रल की वजह से होता है। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर न्यूट्रल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे फेस आ रहा है, फेस में टेस्टर जल रहा है और न्यूट्रल में टेस्टर जल रहा है, तो यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर सप्लाई आ रही है। मगर कभी क्या होता है, फेस में भी टेस्टर जलता है और न्यूट्रल में ही टेस्टर जलता है, फिर भी घर की सप्लाई चल रही होती है, लोग कंफ्यूज होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल होता है ना, जो अर्थिंग देते हैं ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल बनाने के लिए, वो या तो अर्थिंग प्रॉपर काम नहीं करती होती या वो न्यूट्रल ढीला होता है। और ये अगर प्रॉब्लम पूरे मोहल्ले में है जहाँ तक उस ट्रांसफार्मर की सप्लाई जा रही है, तो समझ लेना वहीं का फॉल्ट है। अगर आपके घर में हो रहा है तो आपका न्यूट्रल लूज है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बताना कमेंट करके वीडियोस कैसी लगी।